यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो आज हम दोबारा से खेलने आ रहे थे GTA 5। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उन्हें याद होगा कि भाई कल रात हम लोग गए थे ह्यूमन लैब एक बहुत तगड़ी चोरी करने के लिए, वो भी FIV के लिए। एंड भाई FIV हम लोगों के पीछे पूरे हाथ धो के पड़े, जो कि आप लोगों को याद होगा कि उनके पास भाई हमारे खिलाफ़ बहुत तगड़े तगड़े सबूत है। तो भाई हमें उनके लिए वो काम करना पड़ता है। तो भाई फाइनली कल हम लोग ह्यूमन लैब से वो उनके लिए चोरी करके आए थे। पता नहीं वो क्या कोई एंटीडोट था, कोई लिक्विड चीज़ था, वो तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है। एंड उनका हमें काम करना पड़ा था, बाकी अभी हमारे को कोई भी काम नहीं है। एंड मैं मस्त भाई आराम से थोड़ा अपने घर में धूप सेक रहा था एंड सामने का व्यू ले रहा था। बाकी देख सकते हो क्या ही तगड़ा व्यू आ रहा है। एंड भाई अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पोजीशन ले रखी है एंड सारे लोग अपने सही से काम कर रहे हैं। एंड चलो भाई चल के देख लेते हैं। बाकी मेरे को अमेंडा, ट्रेसी और जिमी भाई दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई अभी तक वो लोग सो के नहीं उठे, बाकी कोई ना। एंड गाइस देखो अपना ना सारा काम अभी तक अच्छा चल रहा है। एंड अभी अपने एक दो काम रह रहे हैं जो कि हमें करने हैं। सबसे पहले हमें अपने शोरूम का भी देख रहा है, क्योंकि भाई शोरूम में दो तीन ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। एंड हमें भाई लिबर्टी सिटी भी जाना पड़ेगा, वहाँ से गाड़ी लेके आने के लिए हैं। एंड भाई सबसे पहले ना मैं लिबर्टी सिटी जाऊँगा तो भाई घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अपने सिक्योरिटी गार्ड तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये सिक्योरिटी के भरोसे में छोड़ के चला, बाकी कोई नहीं। हम ऐसा करते ना गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे कि एयर डिफेंस। तो भाई आज ना हम लोगों ना चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस एंड भाई एयर डिफेंस के बारे में पूछ के आते हैं, अगर वो हमें दे दे। वैसे वो नॉर्मल बंदे को तो देते नहीं है। मैंने वैसे डकन बोस से बात तो कर लिया है, उन्होंने बोल दिया है कि जाके भाई मेरा नाम ले देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वाकई चलो देखते हैं कि भाई आज हम लोग ना भाई घर के लिए ना सबसे पहले अपने लिए एयर डिफेंस लगाते हैं, जो कि हम लोग ना अपने घर पर लगा देंगे, ताकि भाई अगर से कोई दूर दूर से भी कोई अटैक करने आएगा तो भाई आने से पहले वो 10 बार सोचेगा। वाकई चलो अपने घर में सब कुछ ओके है। एंड बस एक चीज़ की दिक्कत है, इस मैंसन के अंदर एक रूम है जो कि भाई लॉक पड़ा है। एंड मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा कि भाई मैं लेस्टर को बुलाऊं एंड भाई वो लॉक तोड़वाऊँ, क्या पता भाई उसके अंदर कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए। वाकई कोई ना, चलो आज हम लोग जा रहे हैं सीधा भाई मिलिट्री बेस एयर डिफेंस के लिए। एंड भाई वो वाला काम तो हम लेस्टर से बाद में भी करवा लेंगे। तो भाई पहले सबसे पहले घर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो मैं सीधा चलता हूँ मिलिट्री बेस के लिए। बाकी मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल देता हूँ तो यहीं रुक, मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को बाहर जाना है। तो चलो गाइस, मैंने ना अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम है, तो घर पर तो अमेंडा, ट्रेसी और जिमी का ध्यान रखियो। एंड बाकी देख सकते हो गाइस अपना जो गराज है कितना भरा भरा सा लग रहा है। तीन भाई अपने सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी एंड अपनी एक लैम्बोर्गिनी सियान एंड एक लैम्बोर्गिनी उर्स है। बाकी गाइस हमारे पास एक मस्टैंग भी थी एंड भाई उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हुआ। बाकी कौन है, हाँ भाई अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेके चलते हैं। बाकी ना ये भाई पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड किसकी बाइक लेके बीच में खड़ी कर दिया है भाई, इसको साइड वाइड कर लेना एंड चलते हैं। बाकी देख सकते हो गाइस चारों तरफ ना भाई अपनी सिक्योरिटी लगी पड़ी, बट ना मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है। क्या हमें थोड़ी सी और सिक्योरिटी लेनी चाहिए गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। अगर लेनी चाहिए तो हाँ, अगर नहीं लेनी चाहिए तो ना। अगर लेनी तो गाइस कमेंट में सिक्योरिटी वो पिक कर देना, हम और सिक्योरिटी ले लेंगे। बाकी अभी लोग हम जा रहे हैं सीधा एयर डिफेंस लेने के लिए। बाकी मेरे को एयर डिफेंस की इतनी नॉलेज नहीं है कि वो किस प्रकार की होती है क्या नहीं, बस मैंने हाँ नाम सुना कि एयर डिफेंस। बाकी हम चलते सीधा, बट वेट भाई ये तो मेरे को वही मोटा लग रहा है जिसको मैंने भाई कल ही मारा था। एंड भाई ये फिर से पता नहीं भाई, एक तो ना मेरे को ये एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं लगता क्योंकि ये सुनसान एरिया ना, तो भाई यहाँ पे चोर चकारे घूमते रहते हैं। एंड भाई लगता है ये तो अभी हमें देख के डर के भाग गया है कि उसे याद हो गया होगा ये तो वही है जिसने कल मेरे को मारा था। एंड भाई अपनी गाड़ी देखो फुल स्पीड में भगा रहा है। एंड एक सेकेंड भाई मेरे लगा कि ना ये मेरे को मिडल फिंगर दिखला रहा है, बाकी कोई नहीं वो सड़ जा चुका है, वैसे सड़ आ चुकी है। चलो इन सबको छोड़ दो गाइस, हम लोग चलते हैं फटाफट से मिलिट्री बेस। बट वेट भाई थोड़ी सी गाड़ी लगी, एक तो एक गांव टाक का एरिया एंड लैम्बोर्गिनी सियान भाई नीचे से बहुत ज़्यादा सटी हुई है तो दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई ना गाइस इन सबको छोड़ते हैं, हम चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली भाई मैं मिलिट्री बेस पहुंच चुका हूं। बस मुझे एक प्यारा सा लेफ्ट लेना है एंड सामने आप लोग देख ही सकते हो भाई मिलिट्री बेस की एक बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ से भाई सारे पुलिस वाले एंड जो भी आर्मी वाले हैं चारों तरफ निगरानी रखते हैं। एंड भाई ये गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मेरे ख्याल से भाई कोई खड़ा भी नहीं होगी। तो भाई गेट तो खुल चुका है, मेरे ख्याल से भाई डकन बॉस ने फ़ोन करके बोल दिया होगा कि मैं मिलने वाले आ रहा हूँ, कहीं भाई वो भूल ना गया हो कहीं भाई मिलिट्री वाले मेरे यहाँ से बेइज्जती करके भगा दे, क्योंकि अभी हमारी इतनी अच्छी जान पहचान तो है नहीं। बाकी चलो देखते हैं कि भाई मेरे को यहीं बोला था ओके। तो वो यहाँ पे लोग पता नहीं फौजी ओजी की पता नहीं किसी की ट्रेनिंग हो रही है एंड ओके। तो ठीक है गाइस, वो कर रहा मिलिट्री कर रहा है, मैं जाके भाई फटाफट से बात कर लेता हूँ। एंड दिख रहे हो क्या है भाई तगड़ी इनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो भी एक साथ कर रहे हो दिख रहे हो भाई एक साथ कर रहे हैं, बिल्कुल भी ढिले नहीं। बाकी चलो मिलिट्री करने आ रहा है, मैं इससे फटाफट से थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, मेरी ना इससे भाई बातचीत हो चुकी है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें भाई एयर डिफेंस दे तो दूंगा
बट तुम्हें उसके लिए ना मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम वो काम कर देते हो ना तो मैं तुम्हें एयर डिफेंस बहुत सस्ते में, एंड अगर आगे जाके तुम्हें कोई मुसीबत पड़ती है तो भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो गाइस हमें क्या लगा इसका काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो अगर मैं ना इसका काम करता ना तो हमें भाई एयर डिफेंस मिल जाएंगे, सस्ते मिलेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये भाई बाद में जाके अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो भाई हमारे काम आ सकता है। तो भाई हम इसको मना करके अपनी छुट्टी नहीं खोनी चाहिए मेरे ख्याल से। वाकई चलो इसने बोला है कि तुम आराम से सोच लो, मेरे को बता दो, बाकी ना मैं भाई इसकी आर्मी देख लेता। देख रहे भाई ये बंदे पूरे लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भाई चेक कर रहा है। वाकई देख रहे चारों तरफ ट्रकर खड़े हैं। तो गाइस मेरे को तो यही लग रहा है कि मेरे को इनका काम कर लेना चाहिए। तो ठीक है गाइस मैं इनको बोल देता हूँ, हाँ तो ठीक है भाई मैंने सोच लिया है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ओके गाइस मेरी ना इससे बातचीत हो चुकी है एंड मुझे इसने काम बता दिया। मैं सबसे पहले इससे लोकेशन ले लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलो गाइस इसने ना मेरे को भाई वहाँ की लोकेशन भेज दी एंड ये बता रहा ना कि कल रात एक बहुत तगड़ी चोरी हुई है एंड वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना कि भाई अगर किसी गलत के हाथ में चलेगी ना तो भाई पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो सकता है। एंड पता नहीं किस चीज़ की बात करें कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे भाई पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो सकता है। एंड भाई पता नहीं मेरे ख्याल से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होगी। वैसे गाइज आप लोग अभी यहाँ तक देख रहे हो तो भाई फटाफट जाकर ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हमें मिलिट्री कर्नल से हाथ मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कोई नहीं गाइज जो कि भाई हमें मिलिट्री कर्नल ने लोगों से दिया, हम चलते हो फटाफट से। बाकी चलो मेरे को यहाँ से एक प्यारा सा लेफ्ट लेना है एंड बस भाई जो भी वो चीज़ है ना वो मिल जाए। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है भाई जिस हिसाब से बता रहा था कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अब वो तो भाई वहीं जाके पता चला कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे भाई पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो सकता है। बाकी छोड़ो इन सब को छोड़ते हैं, हम चलते हैं फटाफट से उसी लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस तो मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ उसी लोकेशन पे पहुँच गया जो कि हमें मिलिट्री कर्नल ने दी थी। बट वेट भाई यहाँ का हाल तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रहा है। लेकिन एक सेकेंड भाई ये तो ह्यूमन लैब है जो कि हम कल रात यहाँ से एक बहुत तगड़ी चोरी करके गए थे एंड भाई अब मेरे को पता चला कि वो किस चीज़ की बात कर रहा था एंड भाई उसे ये नहीं पता चला जो चोरी की थी वो भाई हमने ही की है। एंड भाई ये लो भाई हम तो बहुत ही गलत फंस गए एंड अब इसे देख के मुझे तो नहीं लगता कि भाई ह्यूमन लैब की चोरी हम ये पकड़े पाएंगे एंड हमें एयर डिफेंस शायद मिलेंगे भी बाकी कोई ना। बट यार इतना तो कुछ हमने किया नहीं था जितने यहाँ की भाई हाल दिख रही है। बाकी चलो मैं ना अंदर चलता हूँ, ये लोग मेरे को रोकेंगे नहीं, मैं इनसे भाई बोल दूंगा, इनको फ़ोन आ गया होगा कि भाई मिलिट्री कर्नल ने भेजा इन्हें। बाकी दिख रहा इस क्या ये तगड़ा यहाँ पे सीन हो रखा भाई, चारों तरफ भाई मिलिट्री आर्मी और पुलिस वाले सब कुछ खड़े हुए हैं भाई, टैंक वैंक तक इन लोगों ने खड़े करके। एक सेकेंड भाई ऊपर देखो भाई ऊपर एयर डिफेंस भी खड़ा कर रखा है इन लोगों ने मेरे ख्याल से ना भाई। लेकिन यार ऐसा कुछ तो कल क्या नहीं था, नॉर्मली कल आए थे एंड भाई ये भी देखो किसी को कमांड वमांड दे रहा है। बाकी ना भाई पता नहीं क्या है गंदा सीन है एंड ये मेरे ख्याल से ना हमको रोक रहा है, एक मिनट से मैं बातचीत कर लेता हूँ। तो ओके गाइस मेरे ने इससे बातचीत हो चुकी है, कह रहा है सर तुम अंदर जा सकते हो। भाई मैंने बोला था ना कोई दिक्कत बात नहीं होने वाली कि हमें खुद मिलिट्री कर्नल ने भेजा। व्हाट वेट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा गाइस, देख रहे हो एक सेकेंड इसको खोलेगा क्या भाई, खोल दे यार एक तो पता नहीं भाई देख रहे हो क्या ये हालत यहाँ पे हो रखी है। एंड भाई ये हालत तो हमने नहीं की थी, हम नॉर्मली आए थे एंड भाई वो चीज़ लेके हेलीकॉप्टर से लेके हम निकल गए थे बट ये हाल हमने तो नहीं किया था। लगता ना हमारे जाने के बाद भी भाई यहाँ पे कोई आया था जो कि भाई सारा हाल करके गया। देख रहे भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं एंड भाई ये सारे इन सबको तोड़ने ओढ़ने पर लगे भाई एंड हेलीकॉप्टर तक इन लोगों ने भाई यहाँ पे ब्लास्ट कर रखा है। देख सकते हो भाई ये बंदा के रिपेयर कर रहा है एंड भाई ये लोग फायर ब्रिगेड वाले पता नहीं क्या चेकिंग कर रहे हैं, गाइस देख सकते हो वाकई कितनी गंदी यहाँ पे हालत हो रखी है। एंड यहाँ पे देखो भाई पूरी सिक्योरिटी खड़ी है एंड वो मेरे ख्याल से कोई रिसर्च वाले आ रखे हैं, कोई डॉक्टर वॉक्टर हो अरे पता नहीं क्या। और देख रहे गाइस क्या है पता नहीं मेरे ख्याल से नकली घास वास एंड ये लोग पता नहीं क्या है आपस में बात कर रहे हैं, छोड़ो मेरे को इनसे क्या लेने देना। एंड भाई यहाँ पे देखो इन लोगों ने भैंस की गाड़ी गाड़ी तक फाड़ रखी है भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किया तो क्या किसने, क्योंकि ह्यूमन लैब तो कल हम ही आए थे लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो कल रात हम ही यहाँ पे आए थे एंड भाई इसको क्या हो गया। मेरे ख्याल से ये लगता है धूप में चक्कर खा के गिर गया भाई, इसको देख लो ये भाई अलग ही नशे में। वाकई गाइस देख रहे हो पता नहीं क्या खतरनाक सीन हो रखा है, इन सबको छोड़ते हैं
एंड भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मिलिट्री कर्नल ने मेरे को बोला था कि भाई अगर तुम वो चीज़ मेरे को ला के दे दोगे जो कि कल ह्यूमन लैब से चोरी हुई है, तो मैं तुम्हें एयर डिफेंस दे दूंगा, वो भी सस्ते में। बट मेरे को नहीं लगता कि अब हमें एयर डिफेंस भाई मिलने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ की हालत देख के देख रहे हो भाई। मैं उसको वो चीज़ ला के कैसे दूंगा भाई, क्योंकि मैंने वो FIV वाले के लिए चोरी की थी। एंड भाई वो लोग FIV वाले लेके पता नहीं कहाँ गए, मुझे भी कुछ पता नहीं है। एंड भाई अगर मैं उनसे बोलता हूँ वो भाई साफ मना कर देंगे। एंड अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बाकी ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ह्यूमन लैब का ये सीन किया तो क्या किसने, क्योंकि भाई हमने तो ये सीन नहीं किया। आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से ना, हमारे जाने के बाद भी यहाँ पे कोई आया होगा उसी चीज़ के लिए। एंड भाई जो कि जैसे मिलिट्री करने बता रहा था ना, वो चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि उससे पूरा लॉस सेंटोस तबाह हो सकता है। एंड भाई फिर FIV वालों को क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड फिर उसका क्या सीन है गाइस, अभी ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि अब हमें एयर डिफेंस मिलने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि हमें एयर डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे कुछ डॉक्टर आ रखे हैं एंड पता नहीं कुछ चेक कर रहे हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये लाल लाल सा जो भी है पता नहीं खून है क्या है। एंड गाइस देख लो भाई क्या है, पेड़ वेड़ यहाँ पे गिर रखे हैं। एंड ये पता नहीं, ओ वेट गाइस यहाँ पे ना किसी का हाथ पड़ा हुआ है एंड कटा हुआ, मतलब गाइस यहाँ पे ना बहुत ही गंदा सीन हुआ। देख रहे हो सारे लोग इधर से उधर भाई घूम रहे, पूरी सिक्योरिटी। एंड समझ तक नहीं आ रहा है इतने बड़े बड़े पेड़ एंड इतनी सारी पुलिस की गाड़ी आ रखी। बट भैया हाथ किसका है मेरे ख्याल से ना गाइस, बहुत ही तगड़ा सीन हुआ यहाँ पे। एंड बाकी चलो हम अंदर जा सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम इन्हीं की तरफ से आए हुए हैं। एंड इन्हें क्या पता ये जो आखिर रात में चोरी हुई है वो हम ही ने की है। बट गाइस इतना बुरा हाल तो हमने नहीं किया था। अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को भाई लेस्टर से बात करनी पड़ेगी कि भाई आखिर कौन है जो हमारे अलावा और किसी को भी ज़रूरत थी इसकी। बाकी पता नहीं गाइस यहाँ पे देखना भाई, ये बंदा टॉर्च लगा के देख रहा है, लगता है इसको ना अंदर जाने में डर लग रहा कोई ना। एंड गाइस अंदर से ना बहुत ही तगड़ी सी साउंड आ रही है जिससे भाई मेरी फट रही है। बाकी कोई नहीं, बाकी देख रहा भाई ये चारों तरफ पता नहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है भाई, इतना तो मैंने नहीं किया था। एंड यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं कमांड अमांड दे रहा है। बाकी तू अपना काम करता रहे, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड अंदर का तो मेरे को कोई सीन नहीं लग रहा है, बाकी मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या है। हम नॉर्मल यहाँ से बस चोरी करके गए थे। एंड वेट गाइस आपको याद होगा पिछले टाइम यहाँ पे आए थे कल रात में, तो भाई इसके अंदर ना बंदर थे बहुत सारे। एंड अब एक भी नहीं दिख रहा है, या तो मेरे ख्याल से लग रहा है पुलिस वाले ने रेस्क्यू करवा के इन्हें सेफ रख दिया होगा, या फिर पता नहीं कोई और सीन होगा। बाकी गाइस मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, एक काम करो यहाँ से कोई रास्ता है क्या, यहाँ पे कुछ और सीन है क्या। एंड भाई अंदर तो मेरे ख्याल से सब सेफ ही है, एंड अंदर ज़्यादा कुछ सीन नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से ना। मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, को मेरे जाने के बाद ना यहाँ पे कोई और बंदा भी आया होगा जिसको भाई वो चीज़ की ज़रूरत होगी जो हम कल लेके गए थे, कोई केमिकल था कोई एंटीडोट था, मुझे भी इतना कन्फर्म नहीं है। वो लेने आया होगा हमारे जाने के बाद, एंड उसको वो नहीं मिला होगा तो भाई उसने पूरा ह्यूमन लैब को ही उड़ा दिया। एंड इतनी बुरी हालत कर दी है जो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है। एंड गाइस अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि भाई मेरे को लगता ना कि भाई एयर डिफेंस तब हमें मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बाकी हमारी सिचुएशन पे भाई मेरे को एक तो समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मैं भाई लेस्टर को कॉल मिलाता हूँ एंड फटाफट से भाई उससे बात करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा सीन है। बट वेट भाई ये क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से ना ये अलग ही वजह से मैं। एंड भाई एक सेकेंड यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ ना भाई, सबसे पहले ना यहाँ पे साइड में आ जाता हूँ एंड सबसे पहले मैं लेस्टर को कॉल मिलाता हूँ। बट वेट भाई यहाँ पे भी फौजी है, मैं इनके सामने मिलाऊँगा तो ये लोग भाई बात और सुन लेना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एयर डिफेंस तो छोड़ो भाई, ये लोग मेरे को ही किडनैप कर लेंगे। बट वेट कहीं ये तो अपनी सिक्योरिटी गार्ड जैसी गाड़ी लग रही, देख रहे हो भाई, मतलब यहाँ पे कोई भाई तगड़े तगड़े VIP लोग भी आए हुए थे। एंड भाई यहाँ पे इतने तगड़े। एंड एक और भाई देख रहे हो भाई मैं कॉल कहाँ मिला मेरे को, देख तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। एंड एक सेकंड पहले ना मेरे को सबसे पहले सेफ जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैं रुक के आराम से लेस्टर को कॉल मिला सकूँ। एंड
यहाँ पे मेरे ख्याल से ना ये इनको कोई कमांड वमांड दे रहा है कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ, इनको समझा रहे मेरे ख्याल से अब जो भी हो ही जाने। एंड यहाँ पे कुछ हकियान भाई ये क्या है, ओके तो यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है एंड वहाँ पे तो थोड़ा सा ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, मैं ऐसा करता ना यहाँ पे भाई दूर दूर तो कोई नहीं है तो मैं यहीं पर ना साइड में रुक के ना सबसे पहले भाई लेस्टर को कॉल मिला लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मेरी भाई लेस्टर से बात हो चुकी है एंड मैंने ना भाई उसको सब कुछ बता दिया है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है एंड कलम लेके गए थे चोरी के, मतलब मैंने उसको सब कुछ बता दिया है कि भाई हमने FIV लेकर यहाँ पे चोरी करी थी बट ऐसा कोई सीन नहीं था जो कि अब यहाँ पे दिख रहा है। एंड मेरे को एयर डिफेंस चाहिए थे तो भाई मैं सीधा मिलिट्री करने के पास गया था, तो भाई मैंने लेस्टर को सारा सीन बता दिया एंड वो भी भाई थोड़ा सा कन्फ्यूज है एंड वो बोल रहा है कोई ना छोड़ो तुम ना मेरे पास आ जाओ फटाफट से मेरे सीक्रेट बेस पे, मैं तुम्हें वहीं बताता हूँ क्या करता हूँ, तुम मेरे पास आओ मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ एंड तुम्हारे एयर डिफेंस का देखते कि क्या ही करना है। तो ठीक है आज अब पता नहीं लेस्टर क्या ही करने वाला है, बाकी अभी हमें उनके पास चलना है, बाकी ना मेरे को भाई यहाँ से कोई प्रूफ तो मिला नहीं है एंड भाई उनका कोई बंदा भी मरा हुआ नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से कोई उनकी फाइट वाइट हुई हो तो उनका एक बंदा तो मरा हुआ दिख जाता है उसकी लाश वास, ताकि मैं उससे पहचान सकूँ कि भाई वो कौन सी गैंग का बंदा जो कि हमारे जाने के बाद यहाँ पे आया था। एंड भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई मिलिट्री बेस वाला, वो मिलिट्री कर्नल ने बोला है कि भाई वो हमें एयर डिफेंस तभी देगा जब हमें वो उसे चीज़ ला के देंगे, बट भाई उसे कैसे बताओ। एंड गाइज उसे पता चला कि वो चीज़ चोरी करने वाला भी मैं हूँ एंड ना मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कुछ ऐसे सीन है, तो छोड़ो गाइज वहाँ जा कर ना कोई फ़ायदा आता तो है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि हर तरफ ना यही सीन है भाई चारों तरफ तोड़ा फाड़ी एंड ये पता नहीं कैसे कैसे पेड़ है। एंड भाई ये समझ आ रहा, बाकी ना एक सेकेंड मैंने ना भाई एक एयर डिफेंस देखा था ऊपर, मैं थोड़ा पीछे आके दिखता हूँ क्या मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। एंड गाइस देख सकते हो आपको ऊपर वाइट रंग का दिख रहा होगा भाई, वो ये एयर डिफेंस। एंड भाई यहाँ पे लगता है ना कुछ ज़्यादा तगड़ा सीन होता है, जो कि भाई इन्होंने पूरी रात रात में इतना तगड़ा सेटअप बैठा दिया है, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी एंड एयर डिफेंस के साथ। तो ठीक है अपना काम यहाँ से हो चुका है एंड इसको खोल दो भाई ज़रा। एंड अबे खुल जा यार, क्या दिक्कत है इसकी, भैंस की खुल नहीं रहा तू अट यहाँ से। बाकी चलो गाइस यहाँ पे भी है कुछ खड़े हुए अपने काम हम कर रहे हैं एंड ये रही एक और गाड़ी भाई मेरे ख्याल से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्यों मेरे को लगा भाई अभी तो हमने गए मेरे को भाई, अब ये गाड़ी ना सबके पास हुई है तो भाई मैं सोच रहा ना कि भाई मेरे को अपने सिक्योरिटी के लिए दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए। एंड गाइस कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी मेरे को तो भाई यहाँ से कोई भी ऐसा कोई वो नहीं मिला है जिससे भाई देख के मैं कुछ पता भी लगा सकूँ। तो भाई ऐसा करो इन सबको छोड़ते हैं, एंड गाइस देख रहे हो क्या एक तगड़ा सीन हो रखा है, हमें भाई चलना है सबसे पहले अब लेस्टर के पास। एंड भाई अब वो ये जो कुछ कर सकता है, बट वेट भाई अभी तो खरगोश तो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता, बट कोई ना गाइस चलो हम यहाँ से इजीली निकल लेते हैं भाई, अब लेस्टर ये जो कि हमारी मदद कर सकता है तो ठीक है कोई नहीं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि भाई हमारे जाने के बाद यहाँ पे कौन आया होगा, अगर आप लोगों को पता होगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस मैं यहाँ से जा रहा था बट वेट भाई यहाँ पे ना एक वाइट लोयन है एंड भाई इन लोगों ने ना उसको भाई मार गिरा है मेरी आंखों के सामने, मैं देख रहा हूँ क्या ही तगड़ा सीन है यहाँ पे एंड ये लोग पता नहीं क्या है एंड ये तो मेरे को कोई पता नहीं, अच्छे सिक्योरिटी गार्ड लग रहे बट इन सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे क्या काम है। एंड ये देखो भाई ये अलग ही नशे में एंड ये मेरे से कुछ बोल रहा है देर से भाई, मेरे को अभी कोई बातचीत थी बट भाई वैसे इन जानवरों को मारना गैर कानूनी है एंड भाई इन्होंने यहाँ पे एक वाइट लोन को मार दिया एंड इसकी बैंस की मेरे से कुछ बोल रहा है एंड तो भाई ये बोल रहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो निकलो यहाँ से। एंड भाई देख रहे हो उसने ना मेरे को धक्का दे दिया इसकी भैंस की, तेरी भैंस निकल यहाँ से, ज़्यादा हवाबाजी मार रहा है एंड उरे वो क्यों देख रहे हो क्या तगड़ा बंदा तेरी भैंस के निकल यहाँ से, हैं क्या क्या बोल रहा है तेरा तेरी भैंस की निकल यहाँ से भाई, जानवर को मार के एक तो मेरे ऊपर ही चोट दिखला रहा है तेरी भैंस की निकल, खड़ा कैसे हो रहा है तू है इतनी भाई कितनी जान है उसके मुँह मुँह पर मैंने गन मारी एंड चलो हाँ भाई तेरे को क्या दिक्कत है तू ऐसा करना तेरे को तो भाई मैं एसी से मारूंगा तेरी भैंस की, निकल चल चल निकल चल निकल। बाकी चलो गाइस मैं ना ऐसा करता हूँ एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ भाई ये इस जानवर को यहाँ से लेके चले जाएगी। ऑल राइट गाइस भाई मैंने ना एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दिया एंड उनको लोकेशन वोकेशन दे दिया, बाकी अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि भाई
मैं एम्बुलेंस आने का वेट करूँ, वो भाई इसलिए उनको लेके चले आ गए, तो कोई नहीं इन सबको छोड़ते हम चलते भाई फटाफट से सीधा लेस्टर के पास। तो ठीक है गाइस, मैंने अपनी गाड़ी भगाता सीधा पहुँचने वाला लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। एंड भाई ये तो उसका सीक्रेट बेस, भाई मैं हमेशा रास्ते ही भटक जाता हूँ। एंड इस साइड से ऐसे करते ना, हम पीछे ग्रास से चलते हैं जो कि वहाँ पे सीक्रेट गेट भी था, तो मैं आराम से यहाँ पे गाड़ी अंदर ले जाता हूँ एंड यहीं पे खड़ी कर दूँगा। तो ठीक है, यही था, मैं थोड़ा सा भटक गया था वाकई। चलो एंड जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई लेस्टर का सीक्रेट बेस कितना खतरनाक है। चलो वाकई भाई अपनी लैम्बोर्गिनी भाई पूरी गंदी हो गई, मैं फुल स्पीड में भगाता हुआ आया था तो भाई मिट्टी में पूरी भाई गंदी गंदी हो चुकी है, कौन ही उसको हम धुलवा लेंगे। वाकई चलो हम चलते हैं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस में एंड देखो भाई क्या एक खतरनाक बना रखा है। एंड चलो भाई चलते हैं हम सीधा लेस्टर के पास। बट वेट, ये तो टॉर्चर रूम है एंड मेरे ख्याल से ना मेरे को लगता है कि मैं दोबारा भाई रास्ता भटक चुका हूँ एंड पता नहीं। ओके तो ये तो वाला टॉर्चर रूम है एंड ये होगा एंड नहीं नहीं ये तो भाई टॉयलेट है, बाथरूम है एंड पता नहीं बाकी कौन सा रास्ता, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ये क्या, ये भी नहीं, ये भी भाई टॉर्चर रूम है। वाकई चलो गाइस, बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली वो जगह मिली गई है जहाँ पे मेरे को जाना है। भाई मैं तो ये पता नहीं इसका सीक्रेट बेस है या भूल भले है, भाई कुछ समझ ही नहीं आते। वाकई चलो अपना भाई लेस्टर यहाँ पे बैठा हुआ आराम से एंड भाई इसका सिस्टम विस्टम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। भाई देख रहे हो नीचे का क्या व्यू आ रहा है, इन सबको छोड़ते हैं पहले भाई फटाफट से ना भाई लेस्टर से बातचीत कर लेते ना, आखिर इसने मैं बुलाया क्यों है। एंड चलो भाई थोड़े गले वाले भी मिल लेते ताकि यारी दोस्ती भी कन्फर्म रहे। हाँ तो भाई लेस्टर फटाफट से दिखा, तू मेरे को क्या दिखाने के लिए बुला रहा था। वाकई चलो भाई ये तो अपने पता नहीं सिस्टम पे जा चुका है एंड हम भी भाई बहुत ज़्यादा थक गए। वाकई ना ये बस अपने को बस एयर डिफेंस मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला। वाकई चलो देखते हैं कि भाई लेस्टर हमें क्या ही दिखाने के लिए बोल रहा था। वाकई चलो भाई लेस्टर आ चुका है एंड एक सेकेंड भाई ये तो दारू की बोतल लेके आप पार्टी कर रहा है भाई। यार देख ये मजाक का समय नहीं है, पार्टी वार्टी तू बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहले जिस काम के लिए भाई मैं यहाँ पे आना तू वो बता किस लिए बुलाया। वाकई चलो ओके लेस्टर बोला तुम मेरे पीछे पीछे आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड भाई देख रहे हो लेस्टर भी भाई मजाक में रहता है, मैं तो लगता था कि ये 24 घंटे सीरियस रहता है बट कोई नहीं, मेरे ख्याल से ना बहुत ज़्यादा खुश है, कुछ अच्छा काम ही होगा। वाकई सबको छोड़ा हम चलते हैं फटाफट से सीधा इसके रूम में। एंड इसके हाथ में ये ब्रीफ केस है, बट वेट ये कैसा ब्रीफ केस है। एंड भाई इसको क्या ठंड ठंड लग रही है, ये सीधा भाई आग के पास जा चुका है, आग बाद में सेक लो भाई लेस्टर, पहले मेरे को बता क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, मेरी ना भाई लेस्टर से बातचीत हो चुकी है और वो कह रहा है टेंशन लेने की बात नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो इस ब्रीफ केस के अंदर है, तुम जाके उसे दे दो, उसको कोई शक नहीं होगा। बट हाँ अगर वो इस केमिकल को या एंटीडेट को वो यूज़ करता है तो उसे पता चल जाएगा, बट अभी उसको कोई शक नहीं होने वाला। तो तुम ऐसा करो ना उसको ये जाके दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एंड अब तुम अपना एयर डिफेंस ले लो, बाकी ना जो इसका ओरिजिनल है जो उसकी रियल वाला है उसको भाई कैसे भी करके तुम ढूंढने की कोशिश करो। अगर भाई उसको हकीकत पता चल गई ना कि ये असली नहीं है तो भाई तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वाकई कोई नहीं गाइस, इसको फिलहाल के लिए हम ना यही दे देंगे। वाकई उसको कौन सा पता चलने वाला है, मिलिट्री गनर है, उसको गन के बारे में पता होगा, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ी ना पता होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पता भी तो 1-1.5 महीने बाद ही उसको चलेगा जब वो इसको यूज़ करेंगे, या फिर 1-2 हफ्ता भी हो सकता है। बट हाँ वो भाई अभी यूज़ करने ना लगे वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड भाई अभी तो भी नहीं लगता कि वो अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में उनको ये यूज़ भी करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने ह्यूमन लैब का वो हाल तो देख ही लिया होगा कि कितना तगड़ा वहाँ पे हाल हो रखा। तो भाई अभी तो मेरे ख्याल से ये मिलिट्री बेस में रहेगी सेफली, जब पूरी तरह से ह्यूमन लैब ठीक ठाक हो जाएगा, पूरा रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी टूटा फूटा पड़ा है, तब जाके मेरे ख्याल से उनकी चेकिंग वैकिंग करेंगे, उसको टेस्ट वेस्ट करेंगे। एंड भाई मेरे को ना इनके टेस्ट करने से पहले इनको ओरिजिनल वाला लेके आना पड़ेगा, वरना भाई मिलिट्री करने से जो हम दोस्ती करने के सोच रहे हैं वो भाई दुश्मनी में बदल जाएगी। बट वेट ये भाई पापा की परी कहाँ से आ गई, एक तो ये समझ आ रहा कि भाई ये पापा की परियों को गाड़ी कौन देता। वेट भाई क्या पागल वागल है क्या। एक तो भाई मेरा वैसे दिमाग पिनका पड़ा कि अगर मिलिट्री करने को पता चल गया कि ये फेक है, वैसे भी इतना भी नहीं है क्योंकि भाई ये लेस्टर ने बनाया, तो भाई बहुत रेयर ही चांस है उनको पता चले, क्योंकि भाई लेस्टर जो भी काम करता है पूरा सफाई से करता है। बस हमें जाके इसको भाई मिलिट्री कर्नल को देना है एंड वो ऐसा ना हो कि भाई वही पहचान ले, वरना मेरे को भाई वही लोग गोली सीधा गोली से भून देंगे। बट इस भाई पापा की परी को क्या है, मैं सोच रहा हूँ भाई लड़ाई झगड़ा ना करूँ, वैसे भी दिमाग में बहुत टेंशन है। एंड भाई इसके ज़्यादा चूल्हे, बाकी इसको छोड़ते हैं, मैं भाई अपनी लैम्बोर्गिनी से उनको फुल स्पीड भगा लेता हूँ, वो भाई मेरा पीछे नहीं कर पाएगी। एंड हम चलते हैं सीधा भाई, एक सेकंड भाई ये कोई तगड़े इसकी भैंस की निकलो। भाई मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुल स्पीड में भगाई थी बट
ये भाई मेरे को ओवरटेक कर दिया तेरी भैंस की तरह, क्या दिक्कत है बोल, क्या दिक्कत है तेरे को है, तेरी नहीं ऐसे निकल अपनी बाइक लेके, घटिया सी बाइक लेके निकल यहाँ से, निकल यहाँ से तेरी भैंस की निकल। एंड मैं देख रहा हूँ इसकी भैंस की डंडा अंडा निकाल लूँ मैं, एक सेकेंड यही निकाल के मारूँगा, निकल यहाँ से। एंड अब भागी ना, अब मजा चला इधर 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 तेरी भैंस की। ओके तो भाई ये बच गया, एंड खड़ी होगी तेरी भैंस की, निकल यहाँ से, क्या 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 बदतमीजी है ये। एंड मैं देख रहा हूँ भाई माइकल की ना अभी कोई इज्जत नहीं, अगर अभी मेरा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे होता ना तो उसको यहीं भून देता, बाकी मैं नहीं चाहता कि भी मतलब मैं और केस चले। एंड भाई सॉरी केस के चक्कर में ना मैंने उसी को मार दिया, बाकी चलो ये नॉर्मली बेहोश हुई है, मेरे को भी किसी को नहीं करना क्योंकि भाई हमारे ऊपर वैसे ही बहुत टेंशन है। एंड हमने इतने खतरनाक खतरनाक काम किए हैं उसका अलग है, तो भाई मेरे को और मैटर केस नहीं चाहिए, तो ये बेहोश हो गया एंड अब हमें परेशान नहीं करेगी। तो ठीक है गाइस इनसे कुछ छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास। ऑल राइट गाइस तो मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ, फुल स्पीड में पहुँचने वाला हूँ मिलिट्री बेस। एंड अभी भी मेरे पास आता है मिलिट्री कर्नल का फ़ोन, वो कह रहा था कि तुम भाई मिलिट्री बेस में सेकंड वाले डोर से आना, फर्स्ट वाले गेट से मत आना। तो भाई ये पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, बाकी मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारा काम हो चुका है। एंड भाई वो खुश हो चुका है, एंड उसने हमारे लिए भाई एयर डिफेंस का भी इंतजाम करवा दिया है पूरा। एंड बाकी वेट ये बंदा यहाँ पे भाई खड़ा के क्या कर रहा है, एंड निगरानी निगरानी कर रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई ना हम इसको करने देते हैं। हम चलते हैं सीधा भाई मिलिट्री कर्नल के पास। एंड मुझे उसने यहीं पार्किंग में बुलाया था। एंड भाई एक तो ये समझ नहीं आता कि इनके गेट ये खुलने का नाम नहीं लेते, पता नहीं क्या काम कराम कराते रहते हैं। एंड वेट गाइस दिख रहे हो बगल में क्या इतनी तोड़ी आर्मी है, और भाई इतनी सारी गाड़ियाँ, कैसी कैसी गाड़ियाँ मंगवा रखी इन्होंने। बट मैं ना आराम से अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ और चल के देखते कि क्या है सीन है, वाकई चलो। एंड भाई वो रहा अपना मिलिट्री करना भाग भाग के आ रहा है। एंड चलो भाई मैं इसे बातचीत कर लेता हूँ, इसको ब्रीफ केस दे देता हूँ। तो ठीक है मैंने ना भाई इसको ब्रीफ केस दे दिया। एंड भाई ये खुश हो चुका और कह रहा है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे एयर डिफेंस दिखाता हूँ। एंड भाई उससे पहले देख लो क्या है भाई, इतनी तगड़ी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है, चारों तरफ भाई फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, एंड सारे भाई पुलिस वाले को खड़ा कर रखा है। भाई देख रहे भाई क्या ही तगड़ा है इनका, वाकई चलो भाई हम भी किसी दिन अपनी ऐसी सिक्योरिटी रखेंगे। वैसे सिक्योरिटी नहीं है, ये आर्मी वाले हैं तो भाई इनके पास तो होना जायज ही, इन्हें कौन सा इनका पे करना पड़ता है, बाकी जो भी पे करते हो सरकारी करती है तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए जितना मर्जी रख सकते हैं लेकिन हमें भाई अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए पे करना पड़ता है। एंड इन सारी बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले भाई ये बता रहा है कि ये रहे तुम्हारे पावरफुल एयर डिफेंस। भाई देख रो क्या ही तोड़े लग रहे हैं भाई ये, बस अब तो भाई कोई हमारे ऊपर हमला करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। वाकई चलो भाई मैं मिलिट्री करने से फटाफट बातचीत कर लेता हूँ। तो ठीक है आज भाई मेरी मिलिट्री करने से बातचीत हो चुकी है, मैं इसको बोल देता हूँ ठीक है भाई चल अब मैं चलता हूँ, एंड एयर डिफेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है चलो मेरी से बातचीत हो चुकी है, हम चलते हैं फटाफट से ट्रक लेके अपने एक घर की ओर। तो ओके गाइस भाई मैंने ना उसको अच्छी तरीके से अटैच कर लिया, एंड भाई अपना सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका, पता नहीं ये कहाँ से आया, मेरे ख्याल से ना भाई ये हमारा पीछा वीछा कर रहा होगा कहीं हम दिक्कत में ना हो। तो भाई ये पीछा करते करते सीधा भाई मिलिट्री बेस तक ही आ चुका है, एंड मैंने बोला चल आ गया था तो वह अपनी लैम्बोर्गिनी से आन लेके चल रहे। मैं तो सोच रहा था कि भाई ये यहीं रहेगी तो मेरे को दोबारा आके लेके जाना पड़ेगा। वाकई चलो भाई अपना सिक्योरिटी गार्ड भी सही है, सही समय पे आ गया। बट इस ट्रक को भाई घर में ले आने में मेरे ख्याल से ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखो एक तो इतना तगड़ा ख़तरनाक ट्रक है वो भी भाई मिलिट्री वालों का जो कि, एंड भाई उसके ऊपर इतने तगड़े तगड़े एयर डिफेंस रखे हुए हैं। भाई चलो फाइनली हमें एयर डिफेंस तो मिल चुके, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हमें ईजिली घर पर लेके चलना है। एंड भाई सिक्योरिटी गार्ड तू थोड़ा सा रुक जा, खामा खाम अपनी लैम्बोर्गिनी टूट टट जाएगी। एंड भाई तो चलो गाइस मेरे को ना भाई इस ट्रक को बड़े प्यार प्यार से अपने घर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वरना अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो भाई ये यहीं की यहीं ब्लास्ट हो जाएगा। एंड भाई माइकल का खेल खत्म। एंड चलते भाई हम आराम आराम से। एंड भाई देखो अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है, वो भाई फुल चोड़ में चल रहा है। एंड हमारे यहाँ पर दिक्कत हो रही है क्योंकि भाई एक तो इसके ऊपर इतना भारी वजन लोड हो रखा ना कि जिसकी वजह से भाई मिलिट्री वालों को इतना तगड़ा ट्रक भी भाई चलने का नाम नहीं रह रहा। देख रहे भाई एक तो कितना बड़ा लग रहा है भाई, क्या है व्यू आ रहा है। एंड भाई कोई तो मेरे ख्याल से कोई आगे पुलिस वुलिस वाले ना रोकने लगे कि भाई इतना तगड़ा माल तुम लेके तो लेके जा कहाँ रहे हो, बाकी भाई अगर रोकते भी हैं तो भाई हम मिलिट्री कर्नल से बातचीत करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ जिस स्पीड से ट्रक चल रहा ना उस स्पीड से तो भाई मेरे को साल हो गया है घर पहुँचने में। बट कोई ना गाइस इनको छोड़ते चलते सीधा अपने घर की ओर। तो फाइनली गाइस भाई मैंने अपनी गाड़ी बड़ी मुश्किल से
अपने घर तक लेके आ चुका हूँ भाई। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया मुझे यहाँ तक इसको लाने में, क्योंकि भाई ये ट्रक भाई 50 से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी चलो धीरे धीरे करके मैं आ गया हूँ एंड भाई इसको सेफली हम लेके चलते हैं घर के अंदर। एंड भाई देख लो ट्रक भाई ऊपर पहाड़ में चढ़ने का नाम भी नहीं ले रहा है। बाकी चलो कोई ना, हम इसको सेफली लेके चलते हैं एंड फाइनली भाई लगभग हम अपने घर पहुँच ही गए हैं। एंड भाई अपना सिक्योरिटी गार्ड वो क्या कर रहा है भाई, उसने तो एक को ठोक ही दिया। बाकी कोई नहीं भाई तू खड़ा हो जा, इतना तो चलता रहता है। एंड भाई मैं अपना ठकना फटाफट से पहले सेफली अंदर ले लेता हूँ एंड तू सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा हट जा वरना लग लुगा जाएगी तो और ही दिक्कत आ जाएगी। एंड चलो मैंने इसको यहीं कहीं खड़ा कर देता हूँ। एक तो भाई देख लो जगह तो है बट ये पूरा एक तो ट्रक ही इतना बड़ा ना कि भाई पूरी की पूरी जगह घेर रहा है एंड यहाँ पे तो लग नहीं रहा। ऐसा करता हूँ ना मैं थोड़ा आगे करके इसको यहीं पे लगा देता हूँ एंड भाई इसको डी अटैच कर लेता हूँ फटाफट से। चलो तो ठीक है भाई, मैंने ना इसको सेफली खड़ा कर दिया एंड डी अटैच भी कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि हमें भाई इसको घर में लगवाने पड़ेंगे। अब ये भाई एक तो इतना भारी है एंड हमें भाई ने लगाना भी नहीं आता है। तो भाई मिलिट्री गन ने बोला टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे घर पे इनको मैकेनिकों को भिजवा दूंगा जो इसको लगवा देंगे। एंड गाइस मैंने इसको ऊपर की तरफ लगवाऊँ घर के ऊपर ताकि भाई दूर दूर से ये डिडक्ट कर लें। एंड बाकी मिलिट्री गन ने बोला था कि आज तो वो नहीं आ पाएंगे, वो भाई अभी कहीं बाहर गए हैं काम से, तो भाई उनको कम से कम 1 से 2 दिन लग सकता है वहाँ आने में। बाकी चलो कोई नहीं गाइस, वो लोग आएंगे वही लगा पाएंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि भाई ये कैसे वर्क करता नहीं करता, ये उन्हीं लोगों को पता है। तो भाई 1-2 दिन में आ जाएंगे भाई एंड अब इसको हम घर में सेटवेट करवा लेंगे। बाकी चलो भाई मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो चल के थोड़ी सी ड्रिंक व्रिंक पी लेते हैं। तो ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा अपने पार्टी वाले रूम में एंड ये रहा मेरा पार्टी वाला रूम। इधर भाई सारी प्रकार की ड्रिंक एंड बियर एंड दारू पड़ी है तो मैं फटाफट से एक ड्रिंक पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तो ठीक है गाइस मैंने लिया अपने लिए एक भाई मस्त ड्रिंक निकाल लिया एंड भाई इसको पी करने एकदम मज़ा आ गया, फुल ठंडी ठंडी चिल्ड वाली। एंड भाई माइकल भी पूरी तरह खुश हो चुका है एंड अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है बहुत पी ली ड्रिंक व्रिंक, ज़्यादा पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। एंड चलते बाकी चलो अपना ये काम भी हो चुका है एंड अपना एक काम रह रहा है जो कि मैं आपको बता रहा था कि अपने घर में एक डोर है जो कि भाई लॉक पड़ा हुआ है एंड ये रहा वाला डोर भाई हमें लेस्टर्स को बुलवा के इसको भाई हैक करवा के तोड़वाना पड़ेगा। एंड भाई पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि भाई खुलने का नाम नहीं ले रहा है। एंड मैंने आपसे बहुत बार पूछा अगर आपको पता है कि इस गेट के पीछे क्या है तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज के लिए इतने, अगर आपको आज का गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई फटाफट जाके वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।